विधानसभा क्षेत्र किन्नौर में इस बार लोकसभा के चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। दोनों दलों के उम्मीदवार किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की जनसभाओं में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अब लोगों को 1 जून का इंतजार है, जब वे अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जहां तक मुद्दों की बात करें तो भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित बनाने को लेकर वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वोट मांग रही है। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियो स्थित स्वर्गीय ठाकुर सैनेगी राजकीय महाविद्यालय की छात्राएं भी मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपना मत उसी प्रत्याशी को देने की इच्छुक है जो शिक्षा व महिला सुरक्षा के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करे। आगामी 1 जून को लोकसभा चुनाव में सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी अपना मत सोच समझ कर दें और ये बात ध्यान में रखें जो हमारी आगामी आने वाली लोकसभा है कि जो सदस्य चुने जाएंगे वो लोग हमारे किन्नौर के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं वो सब सोच समझ कर मत दें। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि पर्यावरण के ऊपर ध्यान दें, है ना। जो क्या कहते हैं बड़े बड़े परियोजनाएं हैं हमारे पर्यावरण के भौगोलिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, जिसके हिसाब से जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आता है वो इस मुद्दे को लोकसभा तक पहुँचा सके। और 1 जून को मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि वो ज़रूर आके वोट दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मैं अपना बहुमूल्य वोट देना चाहूँगी। ये जो हमारी परेशानियों को जो भी हमारी इश्यूज़ है उसको आगे तक ले जाए और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना वोट ज़रूर दें। एक अन्य छात्रा का कहना है कि हम उसी उम्मीदवार को चुनकर संसद भेजना चाहेंगे जो किन्नौर क्षेत्र के मुद्दों को सुलझा सके। बार हम इस बेसिस पे वोटिंग करें कि वो आगे हमारे लिए क्या करते हैं या हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सोच समझकर अच्छे से देख कर कि हमारे लिए, क्योंकि अभी पता है कि इतने सारे जो छात्र हैं यहाँ पे किन्नौर में ही ले लो आप कि कितने बेरोज़गार घर पे बैठे हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद JBT करने के बाद सबके सब ऐसे ही बैठे हुए बेरोज़गारी। उनको सोच समझ के या फिर अभी जैसे जॉब्स के लिए वो सब कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा।